ऐसा पीछे से लग रहा है जैसे वो नहीं क्या हो रहा उसके अंदर, वो चप्पल उप्पल बेचने के वास्ते आदमी आते वैसे दिख रहे हो। रुक जाओ अंदर, तुम्हारा जाके बात कराता मैं। खुल्दाबाद की वादियों में बज रही थी ठंड और सुबह सुबह उठे और जिंदगी हो गई है झंड। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा शेयर लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस शेयर को मॉडिफाई करने का और क्रेडिट पूरा जाता है हमारे समीर भाई और खदीर भाई के ऊपर, दोनों ने हमको ये मॉडिफाई करके दिए। अगर आपको इसका ओरिजिनल वर्जन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको इसका ओरिजिनल वर्जन ज़रूर दूंगा। और मैं उस मुस्तकबिल का अजीम करीम मेज़बान, मेरा नाम है सोहेल और मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस चैनल सोहेल डी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग बोल रहे होंगे इतना सुबह सुबह सोहेल डी रास्ते पे चलते हुए कहाँ जा रहा है? तो हम लोग कहीं जा रहे नहीं है भाई, आज हम लोग ने सोचा कि आज संडे भी है, जल्दी उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं और जाते हैं किधर घूमने के लिए। तो आज मैं आपको शायद दो से तीन चीज़ें बता दूँ, तो वीडियो में बने रहिए और मैं आपको बताता हूँ। और हमारी गैंग वो जा रही आगे। ये ना ब्लॉगर लोगों के साथ ऐसे ही होता है, मतलब फ्रेंड लोगों के साथ इंजॉय नहीं कर पाते हम लोग। तो क्या है भाई, तुम्हारे वास्ते कुछ भी करने के लिए तैयार है तुम्हारा भाई, बस तुम्हारे लिए भी वो जुनून होना चाहिए मेरे लिए जो करने का है। तो वीडियो में बने रहिए। अरे तो क्या करे भैया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो सबसे पहले खदीर भाई बुल्ले पकड़ो। हाँ खदीर भाई क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे? ठंड में लेके आएगा सोल ली तुमने, और ये सब मेरे पे ब्लेम कर रहे हैं, सबको दिल बोल रहा था आने के लिए। हाँ मोटिवेट मैंने कर वो अलग बात है। दोस्तों आप लोग कंफ्यूज हो गएंगे कि आज हम लोग जा कर रहे, तो आज हम लोग जा रहे हैं हुडे की मस्जिद के ऊपर, जो बहुत ही फेमस जगह है और खुल्दाबाद में बहुत सारे लोग उसको पहचानते भी है। तो हम लोग तो उधर जाने वाले और हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा पहाड़ चढ़ भी चुके। चलिए मैं आपको मेरे दोस्त लोग से मिला लेता हूँ, कोने कोने मेरे साथ कौन कौन आया है। तो सबसे पहले हमारे सबसे ज़्यादा डिस्कशन करने वाले मेंबर खदीर भाई, और सब खदीर भाई बस एक नंबर। उसके बाद समीर भाई, समीर भाई व्हाट्सअप क्या क्या बोलते चालू नहीं है क्या बोलेंगे? और आसिम भाई क्या बोलते हैं? हाँ हमारे सब्सक्राइबर के कुछ बोलिए मतलब ये तुम समझो। आसिम भाई ने बोले अब हम उनको इज्जत देते, तुम्हारे काम उनको इज्जत देना।
स्टेप से मैं तुम्हारे सिनेमेटिक लुक में सब बता रहा था। और माशाल्लाह मस्जिद तो बहुत एक नंबर औसम है। बस मुझे देखने मस्जिद हमेशा मैं देखता हूँ, मैं यहाँ पर बहुत टाइम आ चुका हूँ, पर हमेशा मैं जब देखता हूँ ना तो मुझे नहीं क्या भाई एक ऐसा लगता है कि भाई हुडे की मस्जिद बनाए कैसे होंगे यार, मतलब पुराने जमाने के लोगों ने, क्योंकि यार ये इतना ऊपर चढ़ना और बिना कोई व्हीकल के तुम लोग समझ सकते हो कितना उनको मुश्किल पड़ा होगा कितना ही। तो और बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी मस्जिद है, ऊपर लाइट वाइट का भी बंदोबस्त है। अगर आपका खुलदाबाद आना हो तो ज़रूर आना, बिल्कुल आना, बहुत हार्ड जगह है। और आपको सिनेमेटिक लुक में तुमने बहुत सारी चीज़ें बताई दी है। तो तुम्हारा भाई फजर की नमाज पढ़ेगी हुडे की मस्जिद पे जा के तुम्हारा को शॉर्ट बता के अभी आ चुका है होटल में, और पीछे मेरे साथ बहुत सारी मच्छियाँ भी है, और अब चाय पीने वाले हैं हम लोग। तो कुछ हमारे भाई लोग चाय पी रहे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी वीडियो को इतना शेयर कीजिए इतना शेयर कीजिए, वीडियो को वायरल करवा दीजिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, सोहेल डी।